पैसे के पीछे मैं कभी नहीं पड़ा, मुझे रिजल्ट से मतलब है और मुझे बच्चे के साथ मेहनत करनी है, काम करना है, नाम करना है, बस ये पर्पज है। एनीवे चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड वाला वर्क, तो देखिए वर्क का फॉर्मूला अभी हमने देखा माइनस डेल्टा यू, इससे हम निकालेंगे इंटीग्रल पीडीवी से, थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इससे बहुत आसानी से आ जाएगा। तो डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस एन सी वी डेल्टा टी या डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस एन आर डेल्टा टी, एन आर डेल्टा टी। अब इसमें एन आर डेल्टा टी को आप लिखना चाहो तो माइनस एन आर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल अपॉन गामा माइनस, ठीक है। तो एक फॉर्मूला तो ये आ चुका है जिसे आप ऐसे लिख लो एन आर टी फाइनल टी इनिशियल, माइनस को नीचे एडजस्ट कर लेते हैं, वन अपॉन वन माइनस गामा, एन आर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल अपॉन वन माइनस गामा। और इसके बाद इसे चाहो तो आप पी वी के फॉर्म में भी ला सकते हो, कैसे, ये है एन आर टी फाइनल माइनस एन आर टी इनिशियल और वन माइनस गामा। तो ये पी फाइनल वी फाइनल पी वी इक्वल टू एन आर टी हमेशा लगा सकते हैं, किसी भी प्रोसेस में लगा सकते हैं। एक कंफ्यूजन बच्चे के दिमाग में होता है, असल में देखो प्रोसेस अलग अलग होते हैं, पी वी इक्वल टू एन आर टी तो किसी भी प्रोसेस में लगा सकते हैं क्योंकि वो गैस की इक्वेशन है, प्रोसेस की इक्वेशन नहीं है। PV equals to NRT ideal gas equation, तो हर ideal gas में applicable है, it is not equation of a process कि इस process में लगेगी कि नहीं लगेगी, इसमें लगेगी कि नहीं लगेगी, सारे process में लग सकती है, सारे process में लग सकती है, ध्यान रहे, ठीक है, सारे process में लगेगी। तो NRT final minus NRT initial one minus gamma, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब ये एक formula हो गया आपका, दूसरा formula हो गया P final V final P initial V initial वन माइनस गामा, ठीक है, P final V final माइनस P initial V initial अपॉन वन माइनस गामा, ठीक है। आप नोट कर लीजिए, कोई डाउट हो, मैंने आपको सबसे आसान तरीके से बताया है। वैसे तो मैं सबको रिकमेंड करूंगा, आप सब टारगेट बैच के हैं तो सबको ये रिकमेंड करूंगा फॉर्मूले याद रखिए, ये डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। और मैंने कहा था ना कि इंटीग्रल पीडीवी से भी निकाल सकते हैं, बट वो लेंथी हो जाएगा थोड़ा सा, इसमें भी पी की जगह एनआरटी अपॉन वी करके फिर लिमिट डाल देंगे, फिर सॉल्व करके लाएंगे तो ये रिजल्ट मिल जाता है। एक चीज का और ध्यान रखना, ये मैंने जो लिखा है, ठीक है, ये वाला है, ये वाला फॉर्मूला, तो इसमें आपको ये नोटिस करना है कि यहाँ वन माइनस गामा है तब यहाँ फाइनल माइनस इनिशियल है। मालूम पड़ा यही फॉर्मूला आपने किसी दूसरी बुक में देखा तो ये ऐसे लिखा मिल सकता है, ये गामा माइनस वन कर लें तो यहाँ पे भी माइनस ले लेंगे तो ये बन जाएगा आपका P initial, V initial, P final, V final और गामा माइनस वन, ठीक है, गामा माइनस वन ये फॉर्मूला और ये एक ही है, नीचे गामा माइनस वन है तो यहाँ इनिशियल माइनस फाइनल है और अगर वन माइनस गामा है तो फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो ये हो गया। और देखिए आप इस बात का शुक्र मनाइए कि आप, मैं बता रहा हूँ कंपैरेटिवली बाकी कोचिंग और टीचर का, आप देखिए कैसे सिलेबस हुआ है, कैसे टीचर ने सिलेबस पढ़ाया है, आप उनका भी देखिए कितना पेंडिंग सिलेबस चल रहा है टीचर्स का। मेरा तो कुछ बचा ही नहीं, हीट है, इसके बाद हीट ट्रांसफर बचा हुआ है, जो बच्चे पहले से ऑप्टिक्स कर रहे थे उनका ऑप्टिक्स हो गया तो मेरा तो कोर्स ही खत्म हो जाएगा तीन दिन के बाद, मेरा तो कोर्स तीन दिन के बाद खत्म हो जाएगा, बच्चा क्या है भाई, सब मैं ऑप्टिक्स सबसे पहले करा दी, मॉडर्न फिजिक्स पहले करा दी, मैकेनिक्स पूरी करा दी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पूरा करा दिया मैंने आपका, ठीक है, और क्या बचा, हीट चल ही रहा है, साउंड हो ही चुका है, लाइट पहले करा दी थी, फिर भी मैंने जब बच्चे ज्वाइन किए थे तो उस समय मैंने बोला भी था, बच्चे पूछते थे कि पूरा कोर्स मेरी लाइट हो चुका है बेटा, नहीं हो पाएगा, होगा तो मैं देख लूंगा, वेव ऑप्टिक्स वगैरह मैं या तो करा दूंगा या रीकरा दूंगा, पर मैंने फिर भी कहा कि जितना हो पाएगा मैं करा दूंगा, ठीक है। तो अभी ये है कि जिन बच्चों का हो चुका है ऑप्टिक्स वो अपना रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं, बाकी कम से कम निश्चिंत हो जाओ, दो से तीन महीने कोई कोचिंग खुलने वाली नहीं है, यकीन मानिए 4 लाख के लगभग केस आ रहे हैं और इतनी भयावह स्थिति है, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि सरकार को सबक तो मिल गया है, अब इस तरह की बेवकूफी नहीं करेगी कि चुनाव कराने में मशगूल रहे और बच्चों को लोगों की जान जोखिम में डाल दे, ना ऑक्सीजन है ना हॉस्पिटल में बेड है, आपको भी पता है विकराल स्थिति है, न्यूज चैनल बिल्कुल मत देखो, घर पर रहो सेफ, डिप्रेशन में आ जाओगे न्यूज चैनल देख के, मैं भी नहीं देखता हूं। बट मैं आपसे ये कह रहा हूं, अभी डॉक्टर जो बता रहे हैं कि मई के 15 मई 20 मई के आसपास पीक आने वाला है, कोरोना का पीक आएगा जहां 5 लाख तक केसेस पहुंचेंगे, ऐसा डॉक्टर बता रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ ना, मैं किसी को कोई डरा रहा हूँ,
और उसके बाद स्लो डाउन होगा। अब तो आप सोचिए कि 5 लाख अगर आ रहे हैं तो स्लो डाउन भी होगा, तो मुझे लग रहा है पूरा जून जुलाई तो जाना ही जाना है। अब जुलाई गया तो आप सोचिए नीट का एग्जाम 1 अगस्त को है, अभी 1 महीने रुक जाओ, सिर्फ 1 महीने। आपको तमाम यूट्यूबर जो है जो एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं उनमें 2-4 ये भी डाल देंगे, क्या नीट पोस्टपोन होगा ? अब बच्चा देख रहा है 2 लाख व्यू इसी के आगे, फिर ट्विटर पे ट्रेंड करेगा पोस्टपोन नीट, पोस्टपोन जेई, पोस्टपोन IIT एडवांस। मई वाला तो पक्का गया, मई वाला तो पक्का गया। अगर थोड़ा सा भी गवर्नमेंट संवेदनशील होगी तो मई का एग्जाम नहीं कराएगी, मुझे नहीं लगता, क्योंकि इस हालत में और अगर जो स्थिति लाए हैं तो हो सकता है आपका मई का एग्जाम जेई मेन का हो जाए। नोट कर लीजिए, ये नोट करना है। इसके बाद अगला मैंने क्या बताया था आपको, वर्क हो गया, ठीक है, वर्क का ये फॉर्मूला आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट मैंने क्या बताया था, स्लोप ऑफ पीवी कर्व। हाँ भाई बताइए जरा, स्लोप ऑफ पीवी कर्व, ठीक है, नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया स्क्रीनशॉट ले लो, बेटर ये घर पे रहो और जितना पढ़ा जा रहा उतना पढ़ो, डिप्रेशन में आने की जरूरत नहीं है कि पिछले साल भी हमारे साथ यही हुआ, इस साल भी यही हुआ, अरे सबके साथ है यार, तुम्हारे साथ क्या है, एंजॉय करो यार लाइफ को, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, नीट जेई वगैरह आते रहेंगे। सबसे जरूरी क्या है, आपको सकारात्मक सोच रखनी है, पॉजिटिव रहना है, कोविड पॉजिटिव नहीं, सोच में पॉजिटिव रहना है, लाइफ है तो सब कुछ है यार, नीट होगा, जेई मेन होगा, उम्र भी अभी कहीं नहीं निकली तुम्हारी अटेम्प्ट वगैरह। अब फिर क्या है, इट इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ यार, IIT में हर बच्चा जाके कोई ऐसा तो थोड़ी चला लेता है, IIT में जाने वाला बच्चा, हर बच्चा क्या है, कुछ बहुत सारे होते हैं जो IIT के बाद भी IAS की तैयारी में लग जाते हैं, कोई पायलट बन जाता है, कोई फ्लाइंग बीस्ट वाला वो चैनल देखा होगा आपने, तो ये इट इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ कि IIT में पहुंच के ही कुछ करोगे या जॉब कर रहे हैं, बहुत सारे हैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, हम भी इंजीनियरिंग करके हम क्या कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, लेकिन अपनी लाइफ में कोरोना का पीरियड हटा तो अपनी लाइफ को हम भी एंजॉय कर रहे थे यार, किसी चीज की कोई कमी थोड़ी थी, और लालच का तो कोई अंत भी नहीं होता। मैं ये कहना चाहता हूँ स्ट्रेस फ्री होके पढ़ाई करिए, स्ट्रेस फ्री होके, मेरे से जितना बन पड़ रहा है मैं कर रहा हूँ आपके लिए, यूट्यूब पे वीडियो भी अपलोड कर देता हूँ, देखना बन, लेकिन यार मोबाइल भी पड़ेगा तुम, नेटवर्क का इशू नहीं आ रहा, मैं उसके लिए अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, स्ट्रेस फ्री रह के काम करिए, टेंशन से कोई काम नहीं चलेगा, घर पे हो, थोड़ा एक्सरसाइज करो, योगा करो, भले ही आप स्टूडेंट हो, मानसिक शांति के लिए, मेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए योगा एक अच्छा ऑप्शन रहता है, तो आप करिए, क्योंकि 24 घंटे आप घर पे ही हैं पूरे टाइम, पढ़ाई के अलावा जब टाइम मिले थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, हेल्दी फूड लीजिए, ड्रिंक वगैरह, जो पानी वगैरह फ्लूड वगैरह, ड्रिंक का मतलब वो नहीं जो आप समझ रहे हैं, मतलब लिक्विड डाइट पर भी फोकस करिए थोड़ा सा, और स्ट्रेस फ्री रहिए, सबसे मेन चीज है, पढ़ाई आपकी अच्छी होगी, चीजें आपको याद रहेंगी अगर आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे तो, और स्ट्रेस फ्री रहने का तरीका बस यही है कि ज्यादा इधर उधर की चीजों पर ध्यान नहीं देना, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि इतना सारा बच्चा देगा इस समय जो अपने आप को कूल कंपोज रहेगा, शांत रहेगा, दिमाग को ठीक रहेगा, पढ़ाई भी करती रहनी है, लेकिन पढ़ाई ये नहीं कि बस अब एग्जाम आने ही वाला है, मालूम पड़ा कि एग्जाम 2 महीने आगे शिफ्ट हो गया और आपने पूरी, फिर क्या होता है, डिमोटिवेशन आ जाता है, तैयारी आपकी अच्छी है, सही बढ़िया चल रहा है, बीच बीच में अब कोर्स हो जाएगा, टेस्ट वगैरह देते रहना, ठीक है, बस एंजॉय करते हुए पढ़ाई करो, टेंशन फ्री होगी। परेशानी और टेंशन उस समय होती है जब हम अकेले इस तरह के सफर करते हैं, ठीक है, मैं भी हो सकता है, मेरे साथ अगर हुआ होता, मेरी कोचिंग बंद हो गई होती, मैं भी हो सकता है टेंशन में आता, पर मैं देखता हूँ दुनिया में सब लोग परेशान है, कोचिंग वाले सारे परेशान, मेरा तो यार कुछ भी लॉस नहीं है, लाखों रुपए का लॉस हो गया, कई टीचर बेचारे बेरोजगार बैठे, उनको 10% भी सैलरी नहीं मिल रही, 20% भी नहीं मिल रही। मैं एक बात कह रहा हूँ, क्या देखिए स्लोप ऑफ पीवी कर्व, तो ऐसे नहीं, आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव सोच में आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो स्लोप ऑफ पीवी कर्व में देखिए, यहाँ पे हमें DP/DV निकालना है, DP/DV हमें निकालना है, तो इसके लिए पीवी की पावर गामा कॉन्स्टेंट है, पीवी की पावर गामा कॉन्स्टेंट है, ठीक है, ये मैंने यहाँ रिफ्लेक्शन आ रहा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पीवी की पावर गामा कॉन्स्टेंट। अब इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो, एक बार डिफरेंशिएट कर दो, तो पहले इसको करेंगे, इसे छोड़ देंगे, तो डीपी कौन सा रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन का, तो इसको डिफरेंशिएट किया, इसको छोड़ दिया, तो ये डीपी आ गया और बी की पावर गामा,
अब इसको किया तो गामा आगे आ जाएगा v की पावर गामा माइनस वन आ जाएगा p, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। आपने कहा ये डिफरेंशिएशन में नीचे भी कुछ एक dv छूट गया, गामा v की पावर गामा अपॉन dv, और चाहो तो किसी के भी रेस्पेक्ट में, जैसे x है मान लो सपोज x के रेस्पेक्ट में किया, तो ये जो नीचे dx आ रहा है उसको जीरो में जब ले जाओगे तो वो हट जाएगा, तो इसलिए मैंने लिखा नहीं। किसी के भी रेस्पेक्ट में करो। अब आपको ये लेके आना है, तो इसको लाने के लिए अच्छा एक काम और कर सकते हैं, यहां से v की पावर गामा माइनस वन और इसमें से v की पावर गामा माइनस वन कॉमन ले लो, तो कॉमन ले लोगे तो यहां तो बचेगा केवल v इसमें से, और यहां गामा डी वी पी इक्वल्स टू जीरो। अब देखिए dp अपॉन dv ये आ जाएगा माइनस गामा p अपॉन v, dp अपॉन dv, dp अपॉन dv माइनस गामा अपॉन p, ये आ गया स्लोप। ठीक है, ये आ गया स्लोप। इसमें एक चीज और नोटिस करो, आपके कॉपी में आपने कल नोट किए होंगे, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए तो आइसोथर्मल प्रोसेस में आपने देखा था ये वैल्यू dp अपॉन dv की ये आई थी, आप चेक कर लो dp अपॉन dv की वैल्यू माइनस p अपॉन v आई थी, और ये गामा टाइम्स है, तो स्लोप ऑफ pv कर्व, एडियाबेटिक pv कर्व है, एडियाबेटिक pv कर्व, एडियाबेटिक pv कर्व। ठीक है, तो एडियाबेटिक pv कर्व के लिए यहां पे आप यहां से भी कह सकते हैं देयरफॉर स्लोप ऑफ एडियाबेटिक pv कर्व, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक पीवी कर्व इक्वल्स टू गामा इनटू स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल पीवी कर्व। इसका मतलब समझे, गामा की वैल्यू एक से बड़ी होती है, एक से बड़ी होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एडियाबेटिक कर्व और आइसोथर्मल कर्व में कौन सा कर्व ज्यादा स्टीप होगा, कौन सा कर्व ज्यादा स्टीप होगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये पी है और ये वी है, तो अगर ये दो प्रोसेस है तो इनमें से कौन से का ढलान स्लोप ज्यादा लग रहा है आपको, ऊपर वाले का कि नीचे वाले का ढलान स्लोप, स्लोप ज्यादा है किसका, एडियाबेटिक का, तो एडियाबेटिक कौन सा होगा, नीचे वाला होगा कि ऊपर वाला होगा, नीचे वाला, नीचे वाला, जिसका ढलान ज्यादा है वो ये है एडियाबेटिक, और ये आइसोथर्मल एडियाबेटिक। ठीक है, जिसका स्लोप ज्यादा है वो एडियाबेटिक प्रोसेस होगा, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक पीवी कर्व इक्वल्स टू गामा टाइम स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व, हमेशा ये वाला ज्यादा स्टीप होगा, हमेशा ये वाला ज्यादा स्टीप होगा अगर वाई एक्सिस पे पी ले रहे और वॉल्यूम एक्सिस पे वी ले रहे, ये बात भी समझने की है। अगर एक्सिस ही बदल दी जाए तो आप देखोगे वाई एक्सिस पे, अगर ध्यान से सुनना मेरी बात, यहाँ पे अगर वॉल्यूम ले लिया जाए और यहाँ पे अगर प्रेशर ले लिया जाए, तो आप जो स्लोप आप निकालोगे, इधर देखो जो स्लोप निकालोगे वो स्लोप डी वी अपॉन डी पी आएगा, पहली बात तो, क्योंकि वाई एक्सिस पे होता है और एक्स एक्सिस पे होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो अब ये बन जाएगा ये, तो इसका उल्टा हो गया, और उल्टा हो गया तो गामा नीचे आ जाएगा, समझना मेरी बात को, गामा नीचे आ जाएगा, इसका उल्टा हो गया ना, इसका भी उल्टा और इसका भी उल्टा, तो गामा किधर आ गया, नीचे, तो ये प्रोपोर्शन हो गया वन अपॉन गामा। और अब यहां से फिर आप कह सकते हैं उल्टा हो जाएगा, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक वीपी कर्व, यहां पे वन अपॉन गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल वीपी कर्व, तो फिर उल्टा हो गया, यानी उल्टे का मेरा मतलब कहने का है कि वॉल्यूम एक्सेस और प्रेशर एक्सेस अगर चेंज कर दी जाए तो फिर एडियाबेटिक कर्व का स्लोप और आइसोथर्मल कर्व के स्लोप में उल्टा हो जाएगा, आइसोथर्मल कर्व का स्लोप फिर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ज्यादा। मेरी बात कुछ आई समझ में आपको? ठीक है, यहां पर ये अगर पूछता है इन जनरल नॉर्मल सिचुएशन में, नॉर्मल क्वेश्चन अगर आता है तो यहाँ पे वॉल्यूम एक्स एक्सिस पे लेगा, प्रेशर एक्सिस, प्रेशर जो है वो वाई एक्सिस पे लेगा, तो उस सिचुएशन में एडियाबेटिक का स्लोप ज्यादा ही आएगा। फिलहाल ये जो पिक्चर आपके सामने दिख रही है आपको, इस पिक्चर में वॉल्यूम दोनों में बढ़ रहा है, वॉल्यूम दोनों में बढ़ रहा है, और अगर वॉल्यूम दोनों में बढ़ रहा है तो ये केस है गैस के एक्सपेंशन का। सो दिस इज द केस ऑफ एडियाबेटिक एक्सपेंशन एंड दिस इज द केस ऑफ आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अभी अगर आप ये देखें, अब एक्सपेंशन में आपने देखा एडियाबेटिक एक्सपेंशन का स्लोप ज्यादा है, तो ये वाला कर्व एडियाबेटिक होगा। अगर मान लो एक्सपेंशन की जगह कंप्रेशन का केस होता, तो कंप्रेशन के केस में
ये ऐसे बनेगा। अब आप देख के बता सकते हैं इन दोनों में से कौन सा एडियाबेटिक है, ये क्वेश्चन में आपको समझ में आना चाहिए। ऊपर वाला, ऊपर वाला ये क्या है आपका एडियाबेटिक और ये क्या है आइसोथर्मल। आपको ऐसे याद नहीं करना कि ऊपर वाला या नीचे वाला, क्योंकि आप देख रहे हैं दोनों डायग्राम को देखो, इस वाले में ये इट इज द केस ऑफ एक्सपेंशन, वॉल्यूम बढ़ा है, गैस का एक्सपेंशन हमने दो तरीके से किया, और ये केस है कंप्रेशन का, इसमें हमने गैस को क्या किया कंप्रेस किया, एक को एक्सपेंड किया एक को कंप्रेस किया, ठीक है, एक को हमने एक्सपेंड किया एक को हमने कंप्रेस किया। तो यहां देखिए एक्सपेंशन में एडियाबेटिक नीचे था और कंप्रेशन में ऊपर था, तो रेदर इस तरह से याद करने से अच्छा है, यानी इस तरह से याद ना करें कि कंप्रेशन या एक्सपेंशन, आप ऐसे याद रखिए कि एडियाबेटिक का स्लोप हमेशा ज्यादा होगा, ऊपर नीचे नहीं याद रखना है फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, एडियाबेटिक का स्लोप हमेशा ज्यादा होगा, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड कंडीशन है कि वाई एक्सिस पे प्रेशर लें और एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम लें, अगर उल्टा होगा तो ये भी उल्टा हो जाएगा फिर, ठीक है। तो फिलहाल तो ये है कि स्लोप एडियाबेटिक कर्व का ज्यादा होता है, एक बात तो ये समझने की, ठीक है, ये आपने नोट कर लिया हो तो मैं आगे बढ़ता हूं। आज मैं इसको सोच रहा था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम स्टार्ट कर देंगे और ये खत्म हो जाता मोस्ट प्रोबेबली, कुछ क्वेश्चन वगैरह रहते पर कोई बात नहीं, चलो कल करेंगे, बीच में आपने कर लिया होगा नोट, मैं अब आगे बढ़ रहा हूं। अब देखिए एक्सपेंशन कंप्रेशन का केस हो गया, इसी में ये P है और ये V है, एक एग्जांपल टाइप का मैं दे रहा हूं, इफ ये कर्व का नाम A है इस कर्व का नाम B है, इफ A इज एडियाबेटिक, If A is adiabatic, then B, पहला ऑप्शन must be isothermal, दूसरा ऑप्शन may be isothermal, must be adiabatic और ये मे बी एडियाबेटिक, क्या लगता है आपको? बताइए, इस तरह का क्वेश्चन आ गया, ऑब्जेक्टिव बन गया, बन जाएगा, क्वेश्चन पूछ लेगा अगर ए एडियाबेटिक है देन बी वाला आइसोथर्मल होगा, आइसोथर्मल होना चाहिए, एडियाबेटिक होना चाहिए या एडियाबेटिक हो सकता है, या आपको लगता है कि डन ऑफ दीज, वो भी आप बता सकते हैं। हाँ बताइए कुछ आइडिया, मे बी एडियाबेटिक, मे बी एडियाबेटिक कौन सा वाला हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन, ठीक है। देखो कैसे भाई, पहले ये ए है ये बी है, तो ए वाला जो ऑप्शन है ना ये मतलब ए वाला जो कर रहा है ये एडियाबेटिक है, तो बी आइसोथर्मल नहीं हो सकता, क्योंकि आप देख के बता सकते हैं कि बी का स्लोप ए से ज्यादा है, बी का स्लोप ए से ज्यादा है, और अगर ये आइसोथर्मल कहा तो स्लोप ज्यादा कैसे हो जाएगा, तो ये दोनों ऑप्शन ए और बी तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि इसका स्लोप ज्यादा है, तो एक पॉसिबिलिटी है कि एडियाबेटिक हो सकता है, तो फिर ये डी वाला आंसर हो सकता है मे बी, क्योंकि मस्ट बी एडियाबेटिक ऐसा होगा जरूरी नहीं, ठीक है,
ये एक एडियाबेटिक है, दूसरा भी एडियाबेटिक कर्व हो सकता है, तो ये मस्ट भी एडियाबेटिक तो जरूरी है, कोई डिफरेंट प्रोसेस भी हो सकता है, बट ये पक्का है कि आइसोथर्मल नहीं हो सकता क्योंकि स्लोप इसका ज्यादा है, स्लोप इसका ज्यादा है। अब इसके बाद ये क्वेश्चन आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसमें एक चेंज कर रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं, नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। नोट कर लिया होगा। अब इफ ए इज आइसोथर्मल देन बी, अगला सवाल है ये, दूसरा सवाल है, जो लोग देख ना पाए उनको मैं बता दूं, मैंने यहां चेंज कर दिया है, इफ ए इज आइसोथर्मल देन, ऑप्शन वही है, बस यहां ए अगर आइसोथर्मल है तो बी क्या हो सकता है या होगा, ये आपको बताना है। देखो पहली बात ये समझो, अगर ये आइसोथर्मल है तो ये आइसोथर्मल नहीं हो सकता, उसकी वजह ये है कि दो आइसोथर्मल कर्व, ध्यान से सुनना मेरी बात, दो आइसोथर्मल कर्व कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि अगर इसका टेम्परेचर T1 है और इसका T2 है तो दो अलग अलग कर्व है, मीन्स दे हैव डिफरेंट टेम्परेचर, तो जहां इंटरसेक्ट करेंगे वहां टेम्परेचर सेम हो गया, तो अगर ये अलग अलग है T1 T2 टेम्परेचर वाले हैं तो फिर यहाँ तो सेम हो जाएगा, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि दो आइसोथर्मल कर्व कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। आपको याद होगा पीवी वाले डायग्राम में हमने इस तरह से कर्व बनाए थे कि नहीं, ये ऐसे पैरेलल टाइप के होते हैं। पैरेलल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये डिस्टेंस नो डाउट ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, बट पैरेलल तो बोल ही सकते हैं ना, इनके बीच में इक्वली स्पेस्ड है, तो ये इस तरह से होते हैं, इंटरसेक्ट नहीं करते, दे हैव डिफरेंट टेम्परेचर, तो दो आइसोथर्मल कर्व कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, तो ये ए और बी तो आउट हो गए। ठीक है, अब मस्ट बी एडियाबेटिक ऐसा भी जरूरी नहीं है, बट हाँ मे बी एडियाबेटिक तो अगेन ऑप्शन डी ही होगा, क्योंकि इससे ये ज्यादा स्टीप है तो ये एडियाबेटिक हो सकता है। आपने कहा कोई और भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस भी तो होता है, वो हम पढ़ेंगे आगे, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के बारे में मैं बताऊंगा, तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस भी हो सकता है, कोई डिफरेंट प्रोसेस भी हो सकता है, टीवी की पावर गामा होगा जरूरी है, तो ये भी एडियाबेटिक। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि सर पिछले वाले केस में दोनों इंटरसेक्ट कर रहे थे तो क्या दो एडियाबेटिक प्रोसेस इंटरसेक्ट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, दो एडियाबेटिक प्रोसेस इंटरसेक्ट कर सकते हैं, लेकिन दो आइसोथर्मल प्रोसेस इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। तो ये तो क्वेश्चन हो गया, इसके साथ एक कॉन्सेप्ट और मैंने आपको बताया, आप चाहो तो इस कॉन्सेप्ट को लिख सकते हो कि दो एडियाबेटिक प्रोसेस इंटरसेक्ट कर सकते हैं, टू एडियाबेटिक प्रोसेस मे इंटरसेक्ट ईच अदर, हाउएवर टू आइसोथर्मल प्रोसेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। आपको मेरी बात अगर सुनाई दी हो तो ये कॉन्सेप्ट भी लिख लेना सामने, एक तो ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन को नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, दूसरा मैं ये बोल रहा हूं टू एडियाबेटिक प्रोसेस, टू एडियाबेटिक प्रोसेस मे इंटरसेक्ट ईच अदर, टू एडियाबेटिक प्रोसेसेस मे इंटरसेक्ट ईच अदर, हाउएवर टू आइसोथर्मल प्रोसेस, टू आइसोथर्मल प्रोसेस कैन नॉट, कर ही नहीं सकते, कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। मैं रिपीट कर देता हूं, मैंने लिख भी दिया है, टू एडियाबेटिक प्रोसेसेस मे इंटरसेक्ट ईच अदर, हाउएवर टू आइसोथर्मल प्रोसेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी आपको ध्यान रखना है, हो सकता है कहीं ऑब्जेक्टिव में इस तरह का लिखा हुआ मिल जाए। ठीक है, तो ये इधर वाला तो आपने कर ही लिया होगा, तो मैं इसको हटा देता हूं, नहीं नोट करवाए तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी उधर वाला नोट कर लो। इसमें एक चीज और, यहां पे ग्राफ से रिलेटेड ये आप जानते भी होंगे, ये P है और ये V है,
तो एक ये प्रोसेस है, एक ये प्रोसेस है, एक ये प्रोसेस है और एक ये प्रोसेस है। तो अगर हम इन्हें आइडेंटिफाई करें तो ये वाला प्रोसेस एक नंबर वाला, दो नंबर वाला, तीन नंबर वाला और चार नंबर वाला। तो इसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक नंबर वाला कौन सा होगा, बोलिए। आइसोबारिक। आइसोबारिक, एक नंबर वाला आइसोबारिक, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोबारिक प्रोसेस। दूसरा आइसोथर्मल। आइसोथर्मल, ये दोनों में एक आइसोथर्मल हो सकता है और ये एडियाबेटिक हो सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही होगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला अगर पी और वी में तो पक्का आइसोथर्मल होगा, लेकिन कोई डिफरेंट टाइप का प्रोसेस भी हो सकता है, क्या पता। सुनो मेरी बात को, देखो फिर क्वेश्चन में ट्विस्ट आ जाएगा। एक आइसोबारिक है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि प्रेशर कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो वन ऐसे लिखूंगा मैं, वन मस्ट बी, फिर एक बढ़िया सवाल बन गया, फिर एक बढ़िया सवाल बन गया, वन मस्ट बी आइसोबारिक प्रोसेस, वजह प्रेशर कांस्टेंट है। लेकिन ये जब तक न बताया जाए कि इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है कि नहीं, तो आप यकीन से कह सकते हो क्या, मेरी बात समझ पा रहे हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है। ये आज मैं पहली बार करा रहा हूं इस तरह का, बाकी ये ग्राफ तो इस तरह का है आपने देखा होगा, लेकिन मैं जो कह रहा हूं उस पर गौर कर रहा हूं। ये ग्राफ तो आपने कई किताबों में देखा होगा आइडेंटिफाई करने, लेकिन मैं जो कह रहा हूं मेरी बात पर गौर करना, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूं। ये जो सेकंड वाला है, ये मे बी आइसोथर्मल लिखना चाहता हूं। अगर आपके मन में आ रहा हो कि सर मस्ट बी क्यों नहीं, कि आपको पता है क्या, देख के बता सकते हो, टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसमें तो दिख रहा है प्रेशर कांस्टेंट है, इसमें दिख रहा है वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसमें दिख रहा है वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसमें दिख रहा है प्रेशर कांस्टेंट है, इसमें दिख रहा है क्या टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्या पता तीन नंबर वाला रहा हो आइसोथर्मल। हाँ, अगर तीन नंबर वाला आइसोथर्मल है, ध्यान सुनना, तीन नंबर वाला आइसोथर्मल है तो दो वाला एडियाबेटिक पक्का नहीं हो सकता, लेकिन ये आइसोथर्मल होगा जरूरी नहीं, क्या पता ये हो। हाँ, अगर ये आइसोथर्मल है तो ये एडियाबेटिक हो सकता है, लेकिन अगर ये आइसोथर्मल है तो दो नंबर वाला एडियाबेटिक हो सकता है क्या? नहीं, नहीं। एक सेकेंड, अच्छा वेटिंग में, ठीक है भाई। तो मे बी आइसोथर्मल समझ में आया, जब तक ये ना बताओ कि टेम्परेचर कांस्टेंट है कि नहीं है, तब तक हम नहीं कह सकते। आप मेरी बात को समझो, ये इस तरह का कोई भी ग्राफ होगा तो ये थोड़ी ऐसा आएगा उसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोल दोगे। ये दो नंबर आइसोथर्मल हो सकता है और तीन नंबर एडियाबेटिक हो सकता है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं, वहां ऑब्जेक्टिव में इस तरह के ऑप्शन लिखे हुए आ जाएंगे। और आपके मन में ये क्या होता है, जनरल परसेप्शन, आपने देखा होगा ये क्वेश्चन, आपने किया भी होगा, यहाँ पे ये प्रोसेस लिखे होते हैं, नाम लिखे होते हैं, लेकिन होता क्या है, ये आइसोबारिक, ये आइसोथर्मल, ये एडियाबेटिक, ये आइसोकोरिक लिख देता है, ये तो मैं भी जानता हूं, इतना आसान है, लेकिन इतना भी आसान नहीं कि यहाँ पे मे बी हो और मस्ट बी हो। तो कई बच्चे मस्ट बी वाले को टिक कर जाएंगे कि दो वाला जो है वो मस्ट बी आइसोथर्मल होना चाहिए, क्यों होना चाहिए भाई मस्ट बी, कोई वजह बताओ, कोई क्या टेम्परेचर कॉन्स्टेंट लिखा हुआ है, देख के तो नहीं बता सकते ना कि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होगा, इस वाले में हीट कॉन्स्टेंट होगी। हाँ, अगर दो वाला आइसोथर्मल है, तीन वाला एडियाबेटिक हो सकता है, ठीक है, और दो वाला आइसोथर्मल ना भी हो, तीन वाला एडियाबेटिक हो सकता है। ये एडियाबेटिक अगर है, ये एडियाबेटिक है, तो ये आइसोथर्मल फिर नहीं हो सकता। इसी तरह से ये अगर आइसोथर्मल है तो ये एडियाबेटिक नहीं हो सकता, तो मे बी एडियाबेटिक, तीन नंबर वाला। अच्छा, एक चीज और देखना, ये ऑप्शन नहीं है, वन मस्ट बी कर्व, वन मस्ट बी लिखा हुआ है, कर्व टू मे बी आइसोथर्मल, कर्व थ्री मे बी एडियाबेटिक, और फोर के बारे में ये सब कर्व, ये मस्ट बी, कर्व फोर मस्ट बी आइसोकोरिक, कर्व फोर मस्ट बी आइसोकोरिक, ठीक है। अब आइसोकोरिक इसलिए वॉल्यूम कांस्टेंट है। फिर एक सवाल और सिंपल सा इसमें पूछा जाता है कि इन चारों में वर्क सबसे ज्यादा किसमें होगा, तो आप देख सकते हैं जिसमें एरिया सबसे ज्यादा होगा, अब एक चीज और समझने की है कि वॉल्यूम V1 से V2 तक
वॉल्यूम V1 से V2 तक एक गैस को ले गए थ्रू थ्री प्रोसेसेस, ये वाला प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस और ये वाला। इस वाले को मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि इसमें तो वॉल्यूम कांस्टेंट ही है, तो इसको V2 तक लेके कैसे जाओगे। तो मैं ये कह सकता हूँ ये प्रोसेस 1, ये प्रोसेस 2 और ये प्रोसेस 3। तो वर्क डन प्रोसेस 1 में सबसे ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा, उसके बाद वर्क डन प्रोसेस 2 में आएगा और फिर उसके बाद प्रोसेस 3 में और प्रोसेस 4। ये 4 नंबर का है, इसमें W4 और मैं ये कह सकता हूँ W4 जीरो होगा। क्यों, कैसा प्रोसेस है ये? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो W4 जीरो मैंने लिखा, लेकिन इसकी सीक्वेंस ये है। आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा एरिया इसके नीचे आएगा, फिर ये वाला इसके नीचे आएगा, फिर ये वाला इसके नीचे। लेकिन लेकिन कंडीशन ये है कि ये 1, 2, 3 का ही कंपैरिजन हो सकता है, 4 से तो कोई कंपैरिजन नहीं है, इसकी वैल्यू तो जीरो है, 4 में तो वॉल्यूम ही चेंज नहीं हुआ ना, तो कंपैरिजन इन तीनों में होगा। तो इन तीनों में वर्क डन इसका ज्यादा आएगा इससे और इसका ज्यादा आएगा इससे, जो मैंने यहाँ लिखा है। लेकिन कंडीशन क्या है, V1 से V2 वॉल्यूम चेंज हो तीनों प्रोसेस में, तीनों प्रोसेस में बराबर। आपको मैं ये जो इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि एक प्रोसेस ये है और दूसरा प्रोसेस ये है, मान के चलिए दूसरा प्रोसेस यहाँ है, तो अब कोई पूछे कि इसमें ज्यादा होगा कि इसमें ज्यादा होगा। ये V1 है और ये V2 है और ये V3 है, एक प्रोसेस आइसोबारिक है तो इसमें जो एरिया भैया निकालोगे आप यही तो निकालोगे यार, और जो दूसरा प्रोसेस है मान लो ये आइसोथर्मल है, इसमें वॉल्यूम आपने चेंज कर दिया कितने से, V1 से V3 तक चेंज कर दिया, तो जो एरिया आएगा वो ये आएगा कि नहीं आएगा। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इस वाले में जो वर्क आए W1 और इस वाले में जो वर्क आए W2, तो इसका एरिया A1 और इसका एरिया A2, तो यार A2 ज्यादा भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता, मेरी बात समझ रहे हो आप। अगर वॉल्यूम में सेम चेंज नहीं किया, फॉर ये जो ऊपर लिखा है ये तो है फॉर सेम चेंज इन वॉल्यूम, फॉर सेम चेंज इन वॉल्यूम ऊपर वाला केस तो तब है जब वॉल्यूम में सेम चेंज किया जाए। लेकिन अगर चेंज डिफरेंट है, आइसोबारिक प्रोसेस में V1 से V2 लेके गए, जबकि इसको आइसोथर्मल अगर मैं कह रहा हूं तो आइसोथर्मल प्रोसेस में V1 से V3 लेके गए, तो ये जो रेड में आप देख रहे हैं ये एरिया इस वाले से ज्यादा भी तो हो सकता भाई, क्या बोलते हो, क्या बोलते हो? Yes, sir. है ना, तो वहां ऑप्शन आपको जो दिए हैं तो उसमें ये चीज कहना जरूरी है कि वॉल्यूम में सेम चेंज होगा तब आइसोबारिक प्रोसेस में, जब वॉल्यूम में सेम चेंज होगा तब आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन सबसे ज्यादा होगा, तब वर्क डन सबसे ज्यादा होगा, फिर उससे कम आएगा आइसोथर्मल में, उससे कम आएगा एडियाबेटिक में, अगर सेम चेंज होता है वॉल्यूम में। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, तो इस वाले केस में हियर इट मे बी लिख रहा हूं मैं W2 greater than W1। ठीक है, वॉल्यूम चेंज सेम नहीं है। ठीक है, हाँ भाई ठीक है। अब इसके बाद देखिए 4 पॉइंट हो गए थे, पांचवा पॉइंट क्या था, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, या इसके लिए एक छोटा नाम यूज कर सकते हैं एडियाबेटिक इलास्टिसिटी, एडियाबेटिक इलास्टिसिटी। और इलास्टिसिटी कोई भी हो, मैंने आपको बताया ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, या फिर आप इसको लिख लो और माइनस डीपीवी। मेरी सलाह मानना, अगर आप क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करना चाहते हैं कहीं इलास्टिसिटी रिलेटेड आए तो ये वाला फॉर्मूला तो जरूर याद रखिए। अब देखो मैंने थोड़ी देर पहले आपको फोर्थ वाले पॉइंट में स्लोप ऑफ पीवी कर्व जो बताया था, उस पीवी कर्व में आपने देखा डीपी अपॉन डीवी की जो वैल्यू थी वो माइनस गामा ये थी, मुझे ये चाहिए, तो इसमें डीपी अपॉन डीवी है,
ये माइनस का साइन मैं इधर ले आता हूँ इसमें, है ना, और v और चाहिए तो v को मैं इसके साथ दिया है, यही तो बल्क मॉडुलस है गामा p के बराबर। तो आप इसको बी क्यू लिख देता हूँ मैं पहचानने के लिए, जैसे बी टी बी पी हमने लिखा था ना, तो बी क्यू, क्यू कॉन्स्टेंट है एडियाबेटिक प्रोसेस, दिस इज इक्वल टू गामा पी। सो मैं कह सकता हूँ गामा टाइम्स प्रेशर ऑफ द गैस, प्रेशर ऑफ द गैस। अब देखिए यहाँ फिर एक सवाल बनता है, और आपने किया भी होगा, केमिस्ट्री में भी पूछा जाता है, फिजिक्स में भी पूछा जाता है। केमिस्ट्री में मैं इसलिए बोला हूँ क्योंकि केमिस्ट्री में भी आप थर्मोडायनेमिक्स तो पढ़ते हो ना, वहां पर भी ये सवाल आपको मिलेगा। तो आइसोथर्मल एडियाबेटिक इलास्टिसिटी, ये एडियाबेटिक इलास्टिसिटी है विच इज इक्वल टू, ये एक सवाल ही हो गया, क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाएगा कि इनमें से कौन सा सही है, तो उसमें कुछ इस तरह का लिखा होगा कि एडियाबेटिक इलास्टिसिटी इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ द गैस, पहला ऑप्शन जो गलत हो गया, एडियाबेटिक इलास्टिसिटी इज इक्वल टू गामा टाइम्स प्रेशर ऑफ द गैस, तीसरा ऑप्शन आइसोथर्मल इलास्टिसिटी इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ द गैस, और चौथा ऑप्शन आइसोथर्मल इलास्टिसिटी इज इक्वल टू गामा टाइम्स प्रेशर ऑफ द गैस। बताइए, सुना आपने मैंने क्या बोला, मैंने कहा एडियाबेटिक इलास्टिसिटी इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ द गैस, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन एडियाबेटिक इलास्टिसिटी इज गामा टाइम्स प्रेशर ऑफ द गैस, तीसरा ऑप्शन आइसोथर्मल इलास्टिसिटी इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ द गैस, चौथा ऑप्शन आइसोथर्मल इलास्टिसिटी इज इक्वल टू गामा टाइम्स प्रेशर ऑफ द गैस। सेकंड और थर्ड, सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही। सेकंड और थर्ड में मैंने क्या बोला था, सेकंड में मैंने बोला कि एडियाबेटिक इलास्टिसिटी इज इक्वल टू गामा टाइम्स प्रेशर ऑफ द गैस, और थर्ड में बोला था आइसोथर्मल इलास्टिसिटी इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ द गैस। अब उसमें दो ऑप्शन सही हो गए तो नीचे दे देगा कि इनमें से पहला दूसरा तीसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, चौथा पहला सही है, ऐसे ऑप्शन डाल देगा, सिंगल करेक्ट ही करना है तो ऐसे बना देगा। तो अब ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे फिर एक बात आ गई कि एडियाबेटिक इलास्टिसिटी जो सवाल पूछा जाता है वो एक तो यही हो गया, दूसरा सवाल ये पूछा जाता है केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी, एडियाबेटिक इलास्टिसिटी इक्वल टू गामा टाइम्स आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, ठीक है, या आपसे ऐसे पूछेगा कि एडियाबेटिक इलास्टिसिटी और आइसोथर्मल इलास्टिसिटी का रेशियो, एडियाबेटिक इलास्टिसिटी और आइसोथर्मल इलास्टिसिटी का रेशियो क्या होगा, सो दैट विल बी इक्वल टू गामा। और इसी तरह से पीछे आइसोथर्मल कर्व और एडियाबेटिक कर्व, एडियाबेटिक कर्व और आइसोथर्मल कर्व की स्लोप का रेशियो, स्लोप का रेशियो क्या होगा, गामा, स्लोप का रेशियो गामा होगा, क्योंकि एक आया था माइनस गामा पी अपॉन वी और एक आया था माइनस पी अपॉन वी, एक आया था माइनस पी अपॉन वी, ठीक है, आप नोट कर लीजिए इसको। हो गया, जैसे मैं इरेज करता हूं, अगर नोट नहीं किया नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक मैं ये इरेज कर देता हूं। इसके बाद लास्ट मोलर हीट कैपेसिटी, तो भैया मोलर हीट कैपेसिटी फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, तो जो भी डेफिनेशन है वही डेफिनेशन हम यूज करेंगे, सी का फॉर्मूला हमने शुरू में ही पढ़ लिया था, एन डेल्टा टी। अब एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए डेल्टा क्यू क्या होता है, जीरो होता है, तो डेल्टा क्यू जीरो तो सी एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जीरो हो जाएगी। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इनफाइनाइट आई थी, चार प्रोसेस अब तक हमने पढ़े, सीपी एक में आई मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर के लिए, सीवी आई कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, आइसोथर्मल के लिए डेल्टा टी जीरो रखेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगी, और एडियाबेटिक के लिए जीरो आ जाएगी। ये थोड़ा हटके हो गए, एडियाबेटिक और आइसोथर्मल, सीपी सीवी तो सब जानते हैं, ज्यादातर पढ़ते हैं, पर ये पूछ लेगा, मालूम पड़ा बच्चे को कुछ क्लिक ही नहीं करा, समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं, ठीक है। तो ये एडियाबेटिक आइसोथर्मल आइसोबारिक आइसोकोरिक चारों प्रोसेस हो गए,
हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन क्वेश्चन से पहले मैं थोड़ा सा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का आइडिया दूंगा, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। अभी जैसे इसमें शायद पुष्पेंद्र है कि नहीं, क्लास कर रहा है, उसने अभी एक क्वेश्चन पूछा था तो उसमें एक गलती करी थी, बच्चों का ध्यान नहीं रहता, क्योंकि नॉर्मली हमारे चार माइंड में चार क्वेश्चन वो चार प्रोसेस ध्यान में रहते हैं, तो हम कुछ गलतियां कर जाते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको शेयर करूंगा क्या है। अच्छा सवाल था, लेकिन ये गलतियां आप अभी कर लो, आपको सीखना है, ठीक है। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जनरल प्रोसेस होता है कोई भी, ये नहीं कि चार प्रोसेस से ही क्वेश्चन आएगा, उससे हटके भी हो सकता है, तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस और उसमें किस टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अभी नोट कर लिया है ये, तो मैं हटा देता हूँ, आप हेडिंग लिखेंगे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, क्वेश्चन आते हैं इस पर भी। दो तीन चीजें समझने की है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस ये है पीवी की पावर एक्स इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब यहां पीवी की पावर एक्स, तो यहां एक्स कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, प्रेफरेबली एक्स की वैल्यू वन नहीं होनी चाहिए, हालांकि वन भी होगी तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये फिर PV equals to constant यानी Boyle's law वाला process यानी isothermal process बन जाएगा, Boyle's law बन जाएगा। तो x की value 1 भी लेंगे तो उस केस में फिर यहाँ पे जैसे मैंने बताया ना c की value infinity आ जाएगी, क्योंकि delta t 0 हो जाएगा, क्योंकि PV constant हो जाएगा, x की value 1 रखेंगे PV constant हो जाएगा, isothermal process हो जाएगा, delta t 0 हो जाएगा, c infinite आ जाएगा। तो खैर वो सब मैं यहाँ पे नहीं बता रहा, पर आपको ध्यान रखना ये कोई जनरल प्रोसेस है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एक्सेप्ट वन मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि वन के केस में भी हमने देख ही लिया है, वन जब होगा तो डेल्टा टी को जीरो कर देंगे तो सी इनफाइनाइट आ जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा फिर उस केस में। अब यहाँ पे दो चीजें जानने की है, पहली बात तो यह है कि इसकी मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है इस प्रोसेस की, ठीक है, और दूसरा वर्क डन कितना होता है। अब आपने कहा फिर इसमें सर कौन सा लॉ भी होता है, ये लॉ ही तो है पीवी की पावर एक्स, कोई नाम थोड़ी है, क्योंकि x की वैल्यू कुछ अलग हो सकती है। फिर आपने कहा सर फिर जो ग्राफ होंगे वो कैसे होंगे, वो तभी बता पाएंगे जब x हमें पता होगा, x की वैल्यू 2 है, -2 है, -1 है, क्या है, तो वो ग्राफ उसके अकॉर्डिंग हम ड्रॉ कर पाएंगे। फिर दूसरा पॉइंट था वर्क डन का, वो मैं बताने जा रहा हूं, और तीसरा पॉइंट क्या था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो भी हमें पता लग जाएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब वर्क निकल आएगा, क्योंकि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है डेल्टा यू इक्वल्स डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, तो जब डब्ल्यू निकाल लेंगे इस प्रोसेस के लिए तो डेल्टा यू की वैल्यू तो हमेशा डेल्टा यू की वैल्यू एन सी वी डेल्टा डी होती है, तो वहां से फिर डेल्टा क्यू भी निकल आएगा। स्लोप ऑफ पीवी कर्व जब तक नहीं बता सकते जब तक हमें एक्स की वैल्यू ना पता हो, और एडियाबेटिक इलास्टिसिटी भी तब तक नहीं बता सकते जब तक एक्स ना पता हो, बट हाँ निकालना हो तो इसको ऐसे ही वो डिफरेंशिएशन वाला तरीका बताया था, वहां से डिफरेंशिएट करके आप निकाल सकते हो, सब मुश्किल नहीं है। और मोलर हीट कैपेसिटी में बताऊंगा, यानी टोटल हमें इसमें तीन चीजें समझनी है, एक वर्क डन का फॉर्मूला, दूसरा डेल्टा क्यू का फॉर्मूला, और तीसरा मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी अगर निकालो तो एक बार डिफरेंशिएट कर सकते हो आप चाहो तो, इसको डिफरेंशिएट करके माइनस डीपी वी अपॉन डीवी निकाल लो तो एक्स के टर्म में कोई वैल्यू आपको मिल जाएगी। जब तक ये एक्स का पता हो तब तक कोई फायदा भी नहीं, लेकिन आएगा तो कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले इसमें वर्क डन का फॉर्मूला हम देखेंगे, तो वर्क डन हम डिराइव नहीं करेंगे, डिराइव करने के लिए वही इंटीग्रेशन वाला पीडीवी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। वर्क डन का फॉर्मूला होता है इसमें W, और ये आता है आपका एन आर डेल्टा टी अपॉन वन माइनस एक्स, जैसे एडियाबेटिक में था ना एन आर डेल्टा टी वन माइनस गामा, उसी तरह से है, आप इसको रिलेट कर सकते हैं एन आर डेल्टा टी वन माइनस गामा, और अगर लिखना चाहो तो एनआरटी फाइनल माइनस एनआरटी इनिशियल, तो ये आ जाएगा आपका पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल अपॉन वन माइनस एक्स, ऐसे भी लिख सकते हो, वैसे नॉर्मली हम ये प्रेफर करेंगे। अब देखिए फ्लूड फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, थोड़ा सा ही बताना है, उसी से सारे क्वेश्चन आप निकाल पाओगे। फ्लूड में डेल्टा क्यू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, तो डेल्टा यू की वैल्यू थी एन सी वी डेल्टा टी, हमेशा ही होती है प्रोसेस कोई भी हो, और डब्ल्यू की वैल्यू ये आ गई एन आर डेल्टा टी अपॉन वन माइनस एक्स, ये डेल्टा क्यू का फॉर्मूला आ गया।
अब इसके बाद देखिए ये जो लिखा हुआ है, यहां से हम इसको डेल्टा क्यू को इस तरह से भी लिख सकते हैं, एन सीवी की जगह, सीवी की जगह आर डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस वन प्लस, और ये आ जाएगा एन आर डेल्टा टी वन माइनस एक्स। तो यहां से डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई एन डेल्टा टी, अगर मैं कर दूं एन डेल्टा टी दोनों में से कॉमन ले लिया, तो ये बन गया आर अपॉन गामा माइनस वन और आर अपॉन वन माइनस एक्स। ये जो लिखा हुआ है यहां से देखो, ये क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी का जनरल फॉर्मूला है, मोलर हीट कैपेसिटी का जनरल फॉर्मूला है। तो मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला आपको मिल गया, मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो सी आ गया आपका, विजिबल हो रहा होगा शायद, आर अपॉन गामा माइनस वन और आर अपॉन वन माइनस एक्स। मैंने कहा एक्स कुछ भी ले सकते हो, अगर वन भी रखोगे तो सी की वैल्यू इंफिनिटी आ जाएगी आइसो थर्मल प्रोसेस के लिए। ये जो लिखा हुआ है ना, ये आपको विजिबल हो रहा है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो लिखा है पहले, ये सीवी है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो सीवी प्लस, ये दिख रहा है स्क्रीन पर जो मैंने लिखा है, मालूम पड़ा दिखा नहीं ठीक से तो गलत ही नोट कर लिया। क्लियरली विजिबल है, सी की वैल्यू है आर अपॉन गामा माइनस वन प्लस आर अपॉन वन माइनस एक्स। इसी पर क्वेश्चन बेस्ड होंगे, इसी पर क्वेश्चन बेस्ड होंगे। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं यहां लिख देता हूं, सी इक्वल्स टू आर अपॉन वन गामा माइनस वन प्लस आर अपॉन वन माइनस एक्स। यहां ध्यान देना, यहां गामा माइनस वन है, यहां वन माइनस एक्स है। इसे आप लिखना चाहो तो सीवी, पहले वाले टर्म को तो सीवी लिख सकते हैं, और आर अपॉन वन माइनस एक्स, ये इस पे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये सबसे मेन चीज है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए, ठीक है, सबसे मेन चीज ये है। और एक दूसरा ये वर्कन का, बस मेरी रिकमेंडेशन ये है कि इस फॉर्मूले को और दूसरा इस फॉर्मूले को याद रखो, बाकी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में कोई भी क्वेश्चन होगा हम कर लेंगे, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन अभी आपको कराने जा रहा हूं, लेकिन अभी टाइम हो गया तो हम इसको क्लास को यहीं रोकेंगे, आज टाइम चला गया हमारा। तो भैया जितना बन पा रहा मैं कर रहा हूँ, बीच बीच में उंगली ना किया करें, आवाज नहीं आ रही है, कुछ ये है डिस्टर्ब है, जो भी है जितना हो सकता है मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये नोट करिए, अब मेरी क्लास है दूसरी 11th की।